रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत करौदी गांव में स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे उत्कर्ष गौतम के मकान पर चोरी की घटना घटी है। वारदात के बाद पुलिस का अमला अब तक चोरों का सुराग लगाने में नाकामयाब रहा है, जिसके चलते उन्हें पिछले कई दिनों से विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे को थानों के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के नाम पर मनगमा थाना प्रभारी जेबी पटेल के द्वारा शिकायतकर्ता से पैसे की डिमांड की जाती है। ऐसा आरोप विधानसभा अध्यक्ष के भतीजे ने लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने थाना प्रभारी को पैसा नहीं दिया तो उनके पक्ष में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल दो वर्ष पूर्व मनगमा थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में स्थित उत्कर्ष गौतम के मकान में चोरी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई, परंतु पुलिस अधिकारियों का कर्मचारियों के द्वारा उनकी शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और लगातार पिछले दो वर्षों से वह थानों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता उत्कर्ष गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे हैं और मनगमा थाना क्षेत्र से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित उनका मकान है, जहां पर बीते दो वर्ष पूर्व चोरी की घटना हुई थी और उत्कर्ष गौतम के द्वारा थाने में घटना की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन थाना प्रभारी अब तक चोरों का पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके लिए शिकायतकर्ता उत्कर्ष गौतम के द्वारा कार्यवाही की मांग को लेकर लगातार थानों के चक्कर काटे जा रहे हैं। मामले को लेकर शिकायतकर्ता उत्कर्ष गौतम ने मनगमा थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मनगमा थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई के नाम पर पैसे की मांग की जाती है और उन्होंने थाना प्रभारी को पैसे नहीं दिए, इसलिए उनके घर में हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। उन्होंने शिकायतकर्ता उत्कर्ष गौतम के द्वारा थाना प्रभारी से व्हाट्सएप पर की गई आपत्तिजनक बातचीत के अंश भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उत्कर्ष गौतम से बातचीत करते हुए थाना प्रभारी ने पैसे की डिमांड तक की है, ऐसा उनका आरोप है। चोरी हुए लगभग 2 महीने हो गया और इसके पहले भी जो है 2-3 बार चोरी हुई है, 3 बार पिछले साल, लेकिन ये मनगमा पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या वजह आपको लगती है चोरी कार्रवाई? अब पुलिस चाहे तो बड़ी से बड़ी अंधी हत्याओं को भी सुलझा देती है और ये चोरी का सुराग तक नहीं पता लगा पाते, जिसके पीछे इनकी क्या मंशा है। हाँ, हमको जो है हमने 2 संदेहियों के नाम भी बताए, तो इनका ये कहना है कि भाई हाईवे का आपका मकान है, तो हाईवे तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया है, तो ना तो जम्मू कश्मीर के लोग आए ना तो कन्याकुमारी के लोग आते हैं, यहाँ आस व पड़ोस के जो चोर सक्रिय हैं वही लोग जो है वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ ना कह पाना, उनको अपने पूछताछ में न लेना, कहीं ना कहीं इनकी जो है गतिविधियों संदिग्ध गतिविधियों को दर्शाता है। इनका सीधे सीधे कहना है कि भाई हमको थाने का खर्च निकालना होता है और ये पैसा ऊपर तक जाता है, तो उसके लिए फिर कई रास्ते हैं, चोरी है, कोरेक्स है ना, तो यही जो है करवा रहे हैं ये लोग। विधानसभा अध्यक्ष जी के आप परिवार से हैं, फिर भी इस तरह से ये लोग लापरवाही करते हैं? नहीं, यही तो चिंता का विषय है कि अगर एक मतलब जिम्मेदार पद पर, प्रदेश के तीसरे पद पर, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के घर परिवार वालों के साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। करौंदी गांव है मनगवा थाने के 500 मीटर पीछे, केवल 500 मीटर। ये सब किसकी लापरवाही मानते हैं, प्रभारी की है, किसकी, किसी और की? ये जो है थाना प्रभारी का है, पूरा किया थाना प्रभारी साहब। व्हाट्सएप पे कुछ चैट के मैसेज क्या डाले थे आपको? नहीं, वो व्हाट्सएप में उन्होंने कहा कि जैसा आप समझ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात है, मतलब कि हम जो है पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी आपके कौन है, किस रिश्ते में? चाचा जी हैं। सोशल मीडिया में आप कुछ डाले?